रायपुर की, जहां का साईं बाबा अस्पताल गरीब परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टर आशीष महोबिया और उनकी टीम ने प्रण लिया है कि किसी भी मरीज को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रखा जाएगा। इस साल 2023 में अस्पताल में करीब 1000 मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन ने फैसला लिया है कि हर गुरुवार रायपुर और हर शुक्रवार को भिलाई में बुजुर्ग मरीजों की आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी। मरीज ₹50 रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर आंखों के साथ साथ बीपी और शुगर की भी जांच करवा सकते हैं। अस्पताल की प्रमुख चिकित्सक स्वाति महोबिया ने आपका डॉक्टर आपका दोस्त नाम से मुहिम शुरू की है, जिसमें सभी महिलाओं को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। कपल्स और महिलाओं को निःशुल्क काउंसलिंग दी जाएगी। महज ₹50 रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट से आप इलाज करवा सकेंगे। हमने 7 दिनों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, जिसमें कि बुजुर्ग आए और करीब 500-600 बुजुर्गों का हमने निःशुल्क इलाज किया और अन्य बहुत सारे बुजुर्गों का हमने निःशुल्क ऑपरेशन भी किया। इसी बात से प्रोत्साहित होकर SBH अस्पताल एक बहुत बड़े निर्णय पर पहुंचा है कि हम जो 7 दिन का प्रोग्राम करते हैं उसको हम साल भर बढ़ाना चाहते हैं और हर गुरुवार को कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो यहाँ पर आ सकता है और पैसे के अभाव में किसी भी बुजुर्ग को आँख का अच्छा इलाज ना मिले, ऐसा ना हो, ऐसी हमारी एक प्रतिज्ञा है। समाज में हमारा जो योगदान होना चाहिए उसके लिए हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी है कि हम जितने भी जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, जो कि देखा गया है कि उन्हें कई बार ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ये सब रहता है, तो ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तब पता चलता है। तो हमने एक शुरुआत करी है कि हम हर शुक्रवार को एक फ्री OPD हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये सारी महिलाएं आकर के मिल सकती हैं, डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन ले सकती हैं। गुरुवार को वरिष्ठ लोगों के लिए उन्होंने फ्री काउंसलिंग यानी चेकअप रखा हुआ है आईज का, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात कि गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनके 1000 लोगों के आई ऑपरेशन का यानी उन्होंने ये संकल्प लिया है और इसको पूरा करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी हॉस्पिटल के लिए ये कि कोई सरकारी संस्थाएं ऐसा करती हैं, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल अगर 1000 ऑपरेशन फ्री में कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा।